हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन सी आपकी वो डिज़ायर्स हैं, या कौन सी आपकी वो विशेज हैं, कौन सी आपकी वो कही हुई बातें हैं जो आपने कह के आप भूल गए, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है और वो बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। ऑल दो उम्मीदों के बरलाने का, मौजाद कर देने का, दुआओं को पूरा कर देने का, ख्वाहिशात को पूरा कर देने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है, लेकिन टैरो के थ्रू मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देखकर दे बता सकती हूँ, वरना खुदा ताला ने वो बेहतरीन वक्त आपके लिए मुतय्यन किया हुआ है, जब वो आपके हक़ में जो चीज़ बेहतर होगा, जो चीज़ बेहतर होगी वो आपको अता करेगा। लेकिन देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एज़ पर प्लानिंग अपने लिए सेट की हुई हैं, तो उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, और कब तक होंगी, कैसे होंगी, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज़ मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें और किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कि कौन सी ऐसी वो डिज़ायर्स हैं, कौन सी वो ऐसी विशेज़ हैं, ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी ख्वाहिशात हैं जो आपकी पूरी होने वाली हैं। लेट्स सी, क्या आपने प्लानिंग कर रखी है, क्या चीज़ें इनमें से होंगी, और जो चीज़ें नहीं होती भी नज़र आ रही उनकी भी रीज़न्स हम चेक करेंगे। ठीक है, फोकस कीजिए अपनी प्लानिंग पर, फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपनी उन तमाम बातों पर, उन डिज़ायर्स पर जो कि आपको कमिंग डेज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाएं। लेट्स सी, कौन सी ऐसी वो विशेज हैं, कौन सी ऐसी वो डिज़ायर्स हैं जो कमिंग डेज में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। फियर, ओके, खौफ पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल, सफ़र करने वाले हैं आप। जॉयस फन, वाओ, या तो कोई बाज़ार अटेंड करेंगे आप, कोई फन गाला अटेंड करेंगे आप बच्चों के लिए कोई पार्टी थ्रो करेंगे, कोई मेला, कोई फन फेयर, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बर्थडे पार्टी जो थीमेटिक होगी और उसकी थीम जो है वो बर्थडे से रिलेटेड भी हो सकती है। आप किसी की बर्थडे अटेंड करने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी ख्वाहिश, वो कौन सी ऐसी डिज़ायर है जो पूरी होने वाली है। इस दौरान शायद आपको नहीं पता या आपको अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी आपको जो कुछ भी थ्रो कर रही थी, आपने बहुत अरसे तक ज़िंदगी डर डर के जी है, और काफ़ी दफ़ा आप ऐसे हालात और नताइज के बिल्कुल करीब होते थे कि जैसे अब फैसला करूं और तब फैसला कर लूं। जिस एनर्जी पर आपका कमांड हासिल होने वाला है कमिंग डेज़ में, वो खौफ होगा। शायद आप बेखौफ हो गए हैं। 5-5, दोनों 5-5 नंबर्स हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, 5 और 5, दैट मीन्स शिफ्ट इज़ रेडी। आप ने जहाँ की ख्वाहिश की थी कि आप वहाँ सफ़र करेंगे, वहाँ सफ़र आप कर रहे हैं, और आपके लिए ये एक बहुत मेमोरेबल सफ़र होगा। एक इतना मेमोरेबल सफ़र कि जिसमें शायद आप ही को यकीन नहीं था कि मैं जिन चीज़ों से डरती हूँ, मैं जिन चीज़ों से घबराती हूँ, यही वो असल जगह है जहाँ पर सफ़र करके मुझे ये फ़न अचीव होगा। तो कमिंग डेज़ में आपकी क्या डिज़ायर पूरी होने वाली है, आपका खौफ ख़त्म होने वाला है। आप किसी के खौफ को भी ख़त्म कर देंगे शायद, और ये सफ़र से रिलेटेड है। आपसे कोई ट्रैवल करके मिलेगा, आप कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं, आप किसी के घर रुकने जा सकते हैं, आप कुछ अरसे के लिए अपना ताम तोबड़ा सामान बांध कर कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेंगे। सफ़र
इन्वॉल्व है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, चाहे वो छोटा ही सा क्यों ना हो, आपका एक टाउन से दूसरे टाउन में ट्रैवल करने के जाना ही क्यों ना हो, लेकिन आप ट्रैवल करेंगे। आप लिटरली अपने घर को बंद करके खुशी खुशी इस सफ़र पर जाएंगे, क्योंकि आप खुशी के लिए ही जा रहे हैं। शायद अब तक ये खौफ, ये जो फियर का कार्ड है, आप डर रहे हैं, डर मिक्स हुआ हुआ है, डर लग भी रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही ब्राइटनिंग, बहुत स्पार्कलिंग और बहुत ही अच्छा सा, जिसे कहना चाहिए, सफ़र होगा। आप अपने साथ बहुत सारे लोगों की मेमोरीज़ बनवाएंगे, आप अपने साथ बहुत सारे लोगों के ख्वाब बनवाएंगे, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इस सफ़र के थ्रू ज़िंदगी की एक डायरेक्शन देंगे कि इस तरह से फियर्स को फ़ेस किया जाता है, खौफ को इस तरह से फ़ेस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप कमिंग डेज़ में इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। बेखौफ व ख़तर, निडर, वेरी गुड, वेरी नाइस। मे दिस सफ़र बी वेरी वेरी ब्लेसफुल फॉर यू, ब्लिसफुल फॉर यू, फुल ऑफ अबंडेंस, आमीन। कमिंग डेज में आपकी कौन सी डिज़ायर, कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है? बेस चाक्रा, वेरी नाइस, रूट चाक्रा है ये। सिंपल लव, सोलर प्लेक्सस चाक्रा, एनर्जी का रीबूस्ट होना जिसे कहते हैं ना, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी आपकी। आप बहुत पैशनेट फील करने वाले हैं। इनसिक्योरिटीज आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव। आपको बंदे पर, बंदी पर कोई रिलायबिलिटी नहीं होगी, कोई कोडिपेंडेंसी नहीं होगी, आप इनसिक्योरिटी से हट जाएंगे। आप ज़िंदगी के मकसद को लेकर बहुत पैशनेट होने वाले हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि इज़्ज़त, पैसा, वक़ार, वेल्थ, तकब्बुर, रुतबा, रेपुटेशन, पोजीशन, ये तमाम चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट। तो कमिंग डेज़ में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट इन टर्म्स के, कोई आपको बड़ी शिद्दत से अगर याद कर रहा है, कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, तो वो बिल्कुल बेलॉस और बेफिक्र होकर मोहब्बत करेगा। आपको अपनी मोहब्बत पर, अपनी कमिटमेंट पर, अपने रिश्तों पर बहुत कॉन्फिडेंस है। आपको मालूम है कि आपके बनाए हुए रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप मोहब्बत के ज़रिए सब कुछ जीत सकते हैं। तो कमिंग डेज़ में एक बिलीफ, कमिंग डेज़ में एक यकीन, एक अकीदा, इसकी आप समझ लीजिए कि जीत है। तो कौन सी चीज़ें आपकी बर आने वाली हैं, ख्वाहिशात पूरी होने वाली हैं? फ्लो, नंबर 10, वेरी गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आई मीन लक आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। आपको अपने अंदर एक सुकून, एक तस्कीन, आपको रोना नहीं आएगा। इतनी बड़ी खुशी भी आपको मिलेगी तो आपको रोना नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मेरी डेस्टिनेशन में ये चीज़ शामिल है कि मैं किसी को डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाऊं। जैसे मैंने इंस्पिरेशन की बात की, एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन बड़ा माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन आप एस्पायर भी एट द सेम टाइम कर रहे हैं और इंस्पायर भी एट द सेम टाइम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, बस ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ इस वक्त आपके फेवर में, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। आपको शायद अपने आप से थोड़ा सा डर भी लग रहा हो कि मैं जो बात कहूँ वो हो रही है, तो कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रेयर्स में मेरा अब नाम आ रहा है। कहते हैं ना, अल्लाह ताला के सामने तीन कैटेगरी के लोग होते हैं दुआ मांगने वाले। एक, कभी कोई अल्लाह से तलब करता है तो अल्लाह को उसकी आवाज़ इतनी बुरी लगती है कि उसको फ़ौरन दे देता है, और एक तलब करता है तो अल्लाह उसकी तलब की रेजिस्टेंस को फ़ेस करता है, महसूस करता है, फिर थोड़े दिनों बाद उसको वो चीज़ दे देता है थोड़ा रेजिस्ट करवा के। और एक कैटेगरी वो होती है कि अल्लाह ताला से बंदा मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, अल्लाह ताला उसको सिर्फ इस वजह से नहीं देता कि अल्लाह ताला को उसको मांगने का अंदाज़ बहुत पसंद होता है। तो अल्लाह ताला को ये होता है कि अगर मैंने इसको दे दिया तो ये मेरे आगे झुकना, मुझसे मांगना छोड़ देगा। तो बट आपके साथ कुछ डिफरेंट केस हो रहा है। आपकी लाइफ में
कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी हैं कि आप ना मुझे लगता है यूनिवर्स को मजबूर कर देते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है यूनिवर्स के साथ, और आप किसी बदनीयती के साथ नहीं करते कि मैं इतनी नेकियां करूं तो नेकी के बद, ये यू डू इट बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ व्हाई यू आर इन अ फ्लो। आपके दिल को सुकून है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आपकी इंट्यूशंस अच्छी हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, एंड यू आर वेरी मच सिक्योर। शायद पहले आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती होगी, आप पहले बहुत डरते होंगे, मुझे इसने छोड़ दिया, मुझसे अगर ये नाराज़ हो गए, मुझसे मेरा इमेज ख़राब हो गया, मुझे अगर उसने बुरा समझा, ये सब चीज़ें आपकी अब कंप्लीट हो गई, अब आपको का फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दिस हैड हैपन कि आपने या तो बहुत फ्रीक्वेंटली सफ़र किया है, आपको ट्रैवल कर लेना चाहिए, या अगर आप अब तक ट्रैवल नहीं कर रहे थे देन डू इट। चाहे छोटे दो शहरों में ही आपस में आप ट्रैवलिंग क्यों ना कर लें, लेकिन कर लें, कहते ना सफ़र वसीला है ज़फ़र, तो ये वो वाली बात है। एंड दिस इज़ कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ इन्जॉयमेंट, कुछ फ़न, कुछ रिलीफिंग, कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ खुश कर देने वाला, कुछ मेहनत का सिला मिल जाने वाली चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। लेट्स सी मोर। कौन सी विशेस, कौन सी डिज़ायर्स कमिंग डेज में आपकी पूरी होने वाली हैं? लेट्स सी। गिव मी मोर मैसेजेस रिलेटेड टू द टॉपिक। प्लीज़ मुझे इस एनर्जी से रिलेटेड और मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर्स की कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं, कौन सी ऐसी विशेस हैं जो पूरी होने वाली हैं? ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। क्रिएशन, आपको तख्लीक का पता चलेगा, आपको अपने अंदर कुछ नया क्रिएट करने की एबिलिटी का पता चलेगा, आपको लगेगा अच्छा मेरे अंदर ये भी सलाहियत थी, मैं ये भी कर सकती थी या कर सकता था। आपको कल की रीडिंग में भी ऐसा आया था और आज भी मुझे लग रहा है आप कोई मखसूस पत्थर आपको कोई गिफ्ट करेगा, कोई ख़ास पत्थर आप, या तो आपके अंदर डिज़ायर बन रही है कि आप उसको पहने, द मोमेंट यू आर गोइंग टू वेयर इट थिंग्स विल गेट चेंज। आप अपनी एनर्जी को हील करने के लिए कोई पत्थर पहनेंगे, आप पैसों के लिए कोई अंगुश्तरी बनवाएंगे जैसे नीलम कहा जाता है, फिरोज़ा पहना जाता है नज़र बद के लिए, अकीक पहनना सुन्नत है, और दुर्र नजफ और बहुत सारे जमरुद रूबी बहुत सारे पत्थर होते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स। ऐसा लग रहा है कि आपका जेम्स से रिलेटेड कोई काम होगा, आप पत्थरों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई चीज़ आप अपने रेगुलर रूटीन में कुछ क्रिएट करेंगे। कमिंग डेज में आपकी स्किल्स में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। विक्टम, इम्पेशेंट, कम्प्लीशन, ओके। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये आपको लेट डाउन कराने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो आपके पीछे है, अपने आप को मासूम पोर्ट्रे करवा कर हमेशा आपके ऊपर आपको पुश करते हैं कि आप जल्दी से काम कर दें, मेरे साथ ये हुआ फ़ौरन से इसका सलूशन करें, मेरे साथ इन्होंने ये किया फ़ौरन से ये कर दीजिए। दिस इम्पेशेंस आप किसी का टेस्ट उसको करवा कर रुकवाएंगे। किसी की डेथ होगी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे, या तो आप कब्रिस्तान जाएंगे अगर आपके आपके फ़िका में और आपके दीन में ये है कि आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, आपको किसी की डेथ से रिलेटेड, उसकी कब्र से रिलेटेड, उसकी कब्र की मेकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। आपको कोई ख्वाब आएगा किसी चले जाने वाले का जो इस दुनिया में नहीं है, उससे रिलेटेड कोई ख्वाब में आपको इंडिकेशन आएगी। देर इज़ समथिंग यू नो, स्पिरिट्स आर गोइंग टू टॉक टू यू, स्पिरिट्स विल टॉक टू यू, ठीक है, घबराना नहीं है इसमें, इमरान खान की तरह वैसे भी घबराना नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ में बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं तो होल्ड करें, जल्दी ना करें, बेसब्री का मुजाहरा मत करें, क्योंकि बहुत सोच समझ के कदम को उठाना है, बहुत समझ के। आप बहुत किसी चीज़ को ना बिल्कुल फाइनल कम्प्लीशन पर लाने वाले हैं, आपके सब्र को कोई वो भी कर रहा है, नोट भी कर रहा है कि आप क्या बिल्कुल उतावले हुए हैं इस चीज़ के लिए कि अगर उन्होंने शोशा छोड़ा तो आप बिल्कुल आखिरी नहज तक पहुँचा दें। ये चीज़ें देखने की बहुत ज़रूरत है। रिजेक्शन,
perfection. Complacency, perseverance. डटे हुए पर्सन हैं आप. आखिरी कार्ड से स्टार्ट करूंगी. रेड कलर इज योर साइन. यू वेयर रेड कलर. आपने कोई रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है. आपकी डीपी पे आप रेड कलर पर हैं. आपको रेड कलर बहुत पसंद है. आपके इस रेड कलर में जो चीज़ आपके ड्रेस को आपको पाबंद करती है, आपने वो उतार के उखाड़ फेंकी है. और आप रिलैक्स हैं बिकॉज एक फेस, एक मास्क अगर आपके चेहरे पे चढ़ा हुआ था और उसकी वजह से कोई आपको विक्टमाइज करता है, आपको डिप्रेस करता है, आपको इरिटेट करता है, आपको ये फील कराता है दैट यू आर समथिंग यू नो वेरी लो स्टैंडर्ड पर्सन. दैट्स गोइंग टू, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप किसी को एक धचका दिलवाएंगे, रिजेक्शन होगी. आप लिटरली अगले को फील कराएंगे कि हाउ इट फील्स व्हेन यू रिजेक्ट समवन. दिस पर्सन, दिस एनर्जी क्लेम्स टू बी परफेक्ट, बट परफेक्शन इज ओनली फॉर अल्लाह की ज़ात. और आपको खुद भी नहीं अंदाज़ा होगा कि सब कुछ कैसे हो रहा है. मेरी एनर्जी तो अभी भी बहुत रोने रोना, मेरे अंदर से तो अब भी आंसू बहते, मेरा दिल अंदर से तो मैं अभी भी बहुत टूटी हुई हूँ. लेकिन वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है जो मुझे हर वक्त एक प्रिजर्वेंट पर्सन बनाती है कि मैं परसिस्टेंट रहूँ, मैं अड़ी रहूँ, मैं डटी रहूँ, मैं पीछे ना हटूँ. दिस इज़ समथिंग यू नो, दिस यू विल क्रिएट, दिस यू विल कम टू नो, रिलीज़. देखिए आप ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ऐसी लग रही है कि अब आपको अगर मौत से डर लगता था, आप अपने किसी फियर पर कमांड हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट फियर से हो रही है. अपनी ज़ात से अगर आप मुर्दा सिफत हो गए हैं कि आपको लोगों के चले जाने के बाद ही एहसास होता है, तो शायद आप जिंदों की कदर करना शुरू करें और अपनी एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसी करेंगे कि जिसमें आपकी, जब तक आप हयात हैं, आप कुछ ऐसा करें कि लोग आपको जाने के बाद भी याद करें. मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जैसे आप यही चीज़ अपने अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, यही चीज़ अपने अंदर क्रिएट करेंगे. यस, गुड. लेट्स सी मोर. व्हाट डिज़ायर्स एंड व्हाट विशेज आर कमिंग वेरी सून. कौन सी ऐसी विशेज हैं, कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं आपकी जो पूरी होने वाली है. शायद आपको कोई बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कराता था. आपके हर प्रपोज़ल पर हर वक्त आपको जो है वो इस तरह की चीज़ें कि कहीं नहीं है तुम्हारा काम सही, नहीं तुमने ये भी सही नहीं किया, तुमने, जबकि आप सब कुछ सही कर रहे होते तो आप सोच में पड़ जाते थे कि यार गलती कहाँ हुई, इस चीज़ को और कैसे परफेक्ट बनाऊँ, इस चीज़ में और कैसे क्रिएटिविटी लेकर आऊँ. सब कुछ सही तो है, अगले के पास भी आइडिया नहीं है, तो क्या मैंने कंप्लीट किया या इनको नहीं समझ में आ रहा. मतलब लॉट्स ऑफ बिग थिंग्स. मिल्क एंड हनी इन्जॉय करेंगे आप. दिस इज़ अ बिग साइन. 51 ईयर्स के आप होने वाले हैं या तो, और अच्छी चीज़ें, ब्यूटिफुल थिंग्स, रिवॉर्ड का टाइम. मिल्क एंड हनी, मीठा मीठा, सब कुछ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा होगा इंशाल्लाह. अ चेंज इन द विंड, एक नई डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन में जाना. हवा का रुख बदलेगा, चीज़ों का रुख बदलेगा, चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, बट आप स्टर्न रहेंगे, फर्म रहेंगे, हिलने वाले नहीं बनेंगे. पॉइज्ड, एक ग्रेस आपके अंदर ना आएगा, और शायद लोग नोटिस भी कर रहे हैं इस ग्रेस को, ऐसी बात नहीं है, बट आप एक स्टाइल ऑप्ट करेंगे, कोई ख़ास स्टाइल आप अपने अंदर ऑप्ट करेंगे. आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेट होने वाली है. आप बड़े ही गिविंग, बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पिंकी पिंकी, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं. यू नो लॉट्स ऑफ मैसेजेस, बट वेरी साइलेंट एंड वेरी हिडन मैसेजेस. सटल सी, जिसे कहना चाहिए सटल सी एनर्जी. लेट्स सी कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं और कौन सी ऐसी विशेज हैं जो पूरी होने वाली हैं. लेट्स सी फ्रॉम टैरो, कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं, कौन सी ऐसी विशेज हैं जो पूरी होने वाली हैं. लेट्स सी फ्रॉम टैरो, कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं, कौन सी ऐसी विशेज हैं जो पूरी होने वाली हैं. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. आपने बड़ा वेट किया है इस चीज़ का.
इस वक्त ये आपके फल का ही टाइम है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इस वक्त आपके अतराफ में लोग फड्डेबाजियाँ बहुत कर रहे हैं, आपकी टांगे बहुत खींच रहे हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और उस लड़ाई के बाद, ये शायद लड़ाई का आपने इंतज़ार किया था और ये लड़ाई आपने वेलकम की है। हो सकता है फैमिली में हो, बड़े क्लोज सर्कल में से हो, कोई ऐसा धमाकेदार शॉकिंग, कोई ब्लास्टेड टावर मोमेंट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा और इसको आपने लिटरली वेलकम किया कि बस अब तू हो जा, अब तू नहीं तो मैं, या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं, वो वाली बात हो जाएगी। थ्री ऑफ कप्स, देन यू विल बी रिलीज्ड। आप एक टाइम आउट करेंगे अपने दोस्तों के साथ, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, साइलेंट मोड में चले जाएंगे, खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, एंड देन यू विल सी के भाई नाइन ऑफ कप्स, ये फेज होगा। हो सकता है ये आपकी लाइफ में फेज हो रहा हो या हो चुका हो और अब इसका रिवॉर्ड आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने बहुत तहम्मुल, बड़े पेशेंस और बड़े सब्र से, बड़े खामोश रहकर, बहुत ही वाइज पर्सन बनके इस टावर मोमेंट को फेस किया है। शायद आप फड्डों में भिड़ चुके हैं, शायद आपके साथ लोग फड्डे कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, खींचातानी हो चुकी है, आपको लेट डाउन फील कराया जा चुका है, या तो ये फेज़ अभी होगा या फिर हो चुका है। और अगर तो ये हो चुका है देन वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स और आपकी विशेस यूं भी पूरे होने वाली हैं कि इन तमाम चीज़ों का रिवॉर्ड आपको आपके सब्र की फॉर्म में, आपकी ख्वाहिशात पूरे होने की फॉर्म में ही मिल रहा है। नाइन ऑफ कप्स होता ही विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि आपकी जो भी आपने दुआएं मांगी, आपने जो भी ख्वाहिशात हैं आपकी, आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो पूरी होने वाली, बिकॉज आपने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से किसी चीज़ पर काम किया था। और अगर कोई उसका सत्यानाश और ख़राबा करने वाला है तो आप उस खराबे को होने नहीं देंगे, आप खुलने देंगे उस पर्सन को कि अपना डट के खुल के सामने आए, जितना नीचपना दिखा सकता है दिखा दे और फिर उसके बाद इसके ऊपर काम किया जाएगा। और आई थिंक यू डिड इट, यस, यू वांट पीस एंड यू वांट, यहाँ पर भी आप देखें नैया ट्रैवल कर रही है, एंड देन यू विल फील अनकंडीशनल लव। आपको लगेगा कि जैसे लोग नहीं तो स्पिरिट्स और मेरे स्पिरिट गाइड्स कम से कम ऐसे हैं जो मेरे साथ खुलूस से दिल से मुझसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है जनाब, तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ये आपकी विशेज़ हैं, ये आपकी डिज़ायर्स हैं। खुदा ताला आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हो रही हैं उनसे आपको गुजरने की तौफीक दे, सलाहियत दे, हिम्मत दे, और फिर उसके बाद जो भी अल्लाह ताला ने एज़ अ रिवॉर्ड सिस्टम आपके नसीब में लिखा है उसको बरतने की आपको तौफीक दे, ताकि आप अगले मराहिल के लिए एक अच्छे और कॉम्पिटेंट पर्सन बन के खड़े हों सामने। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।